Morning. I hope you all are well and healthy. Today we will discuss Gulmohar Class 8 poem Unfolding Bird by Naoshi Koriyama. Before we discuss the poem, let's know something about the poet. तो ये बड़ा ही एक खूबसूरत poem है. Naoshi Koriyama एक Japanese poet थे जिन्होंने पोइट्री पढ़ाते थे. पोइट्री के टीचर थे ये और पोएम लिखते थे. तो इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक पोएम को समझना जो है उतना आसान नहीं होता है जितना हम स्टोरी को समझ लेते हैं. पोएम को समझने के लिए हमको उसके अंदर जाना पड़ता है, उसको इम्बाइब करना पड़ता है, मतलब आत्मसात करना पड़ता है, उसको अच्छे से समझना पड़ता है. जब तक हम, जैसा कि कहा जाता है कि जब तक आप पानी से बाहर रहकर आप पानी के बारे में कह नहीं सकते हो कि पानी ठंड है कि गर्म है, आपको पानी में डुबकी लगाना ही पड़ेगा. तो उसी तरह से अगर आपको पोएम को पढ़ना है तो पोएम के अंदर आपको जाना पड़ेगा, पोएम की गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आपको मोती मिलेंगे. तो इस एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये पोएम को लिखा गया और इस पोएम का मैसेज क्या है. चलिए देखते हैं हम लोग. अनफोल्डिंग बर्ड. वन इज अमेज्ड बाय अ वाटर लिली बर्ड अनफोल्डिंग विथ ईच पासिंग डे टेकिंग ऑन अ रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशंस. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइंस में पढ़े हैं कि एक फूल जो खिलता है एक कली से खिलता है. बर्ड का मतलब कली होता है. यहाँ देख लीजिए, ये है कली एज अ टाइनी बर्ड. अब इसको खिलने में, जब ये खिलता है धीरे धीरे, जब ये खुलेगा, वेन इट विल ओपन स्लोली, इट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर क्या है कि एक पोएम को एक बर्ड से कंपेयर किया गया. यहाँ पर एक मेटाफर है. मेटाफर एक पोएट्री डिवाइस है जिसमें हम डायरेक्टली चीज़ों को कंपेयर करते हैं. तो एक पोएम को एक बर्ड से, अनफोल्डिंग बर्ड से कंपेयर किया गया. जिस तरह से एक बर्ड जो है धीरे धीरे खुलता है और फ्लावर में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, उसी तरह एक पोएम जो है वो हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता है. जब हम उसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके मीनिंग्स को समझते हैं, तब धीरे धीरे जो है वो हमारी समझ में आता है और हम समझ पाते हैं कि राइटर एक्चुअली पोएट इसको लिखे क्यों, इनका मैसेज क्या है. ठीक है, तो यहाँ देखिए, वन इज़ अमेज्ड बाय अ वाटर लिली बर्ड अनफोल्डिंग. अगर हम पहली बार इस किसी चीज़ को देखते हैं फूल के खिलते हुए, ये तो देखना काफ़ी रेयर होता है, लेकिन जो लोग देखते हैं वो अमेज्ड हो जाते हैं. वन इज़ अमेज्ड, अमेज्ड मीन सरप्राइज, बाय अ वाटर लिली बर्ड. एक वाटर लिली का एग्जाम्पल लिया गया, वाटर लिली का. वाटर लिली का जो कली है जब वो खुलता है तो काफ़ी वो सरप्राइजिंग होता है विथ ईच पासिंग डे. और वो एकदम से नहीं खुल जाता तुरंत, वो धीरे धीरे खुलता है, टाइम लगता है उसमें. टेकिंग ऑन रिचर कलर, और जैसे कि बाहर से वो उसका ब्रैक्ट उसको बोलते हैं, जो बाहर का जो लीफ होता है वो धीरे धीरे खुलता है तो उसका कलर हमको दिखता है. एंड न्यू डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है कि उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है. जैसे धीरे 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 कली जो है फूल में खुलती है तो वो कैसे बढ़ता जाता है, तो उसी तरह से जो है डायमेंशन का मतलब हम जानते हैं मेजरमेंट, लेंथ एंड हाइट जिसको बोलते हैं. तो उस तरह से जो है उसका आकार जो है वो बदलता जाता है. उसके बाद वन इज़ नॉट अमेज्ड एट फर्स्ट ग्लैंस बाय अ पोएम विच इज़ एज टाइट क्लोज एज अ टाइनी बर्ड. जैसा कि मैंने पहले बताया, शुरुआत में ही आप अगर किसी पोएम को पढ़ते हैं तो आपको तुरंत से समझ में नहीं आ जाता है, आप अमेज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आप सरप्राइज होते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि एक पोएम को एक टाइट क्लोज्ड टाइनी बर्ड से कंपेयर किया गया है जो अभी खुला नहीं है. जब तक आप उसके अंदर जाते नहीं हैं, उसके चीज़ों को समझते नहीं हैं, तब तक वो बंद रहता है. और जैसे जैसे आप जाते हैं वो खुलने लगता है, जिस तरह से कली खुलती है एक फ्लावर के रूप में. ठीक है, येट वन इज़ सरप्राइज टू सी अ पोएम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग. अनफोल्डिंग मतलब खुलना, ओपन होना. और हम कब सरप्राइज होते हैं पोएम को देखकर, जब वो धीरे 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 उस चीज़ों को हमको समझ में आती है, उसके मतलब को हम समझते हैं. रेवलिंग इट्स इनर सेल्फ, रेवलिंग मतलब होता है डिस्क्लोज, मैंने उसके अर्थ को समझना, उसके सेंस को समझना, उसके मीनिंग को समझना, उसके सार को समझना. एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन. और कभी कभी क्या होता है कि पोएम हमको एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसको हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं.
और एक एक मीनिंग्स को, एक एक पॉइंटिंग डिवाइसेस को हम जो है सोचते हैं किस तरह इसको अच्छे से पढ़ा जाए ताकि समझ में आए। तो ये बड़ा सिंपल पोएम है लेकिन बहुत ही इसका गहराई में मीनिंग है जो नाओशी कोरियामा सर समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सेंस और द मैसेज थ्रू विच द पॉइंट इज़ ट्राइंग टू गिव टू द रीडर्स। ठीक है, तो आप ये समझ पाए हैं आई होप। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा, तब तक आप इसको पढ़िए, इंजॉय कीजिए। और इसमें मैं आपको बता दूँ एक पॉइंटी डिवाइस यूज़ किया गया, इसका नाम है मेटाफर। ठीक है, क्या नाम है उसका? मेटाफर इसको बोलते हैं, METAPHOR। मेटाफर में क्या होता है कि हम डायरेक्ट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ एक टाइनी बर्ड से पोएम को कंपेयर किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम समझ में आया है। समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए और जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।